देश में हर जगह कोरोना वॉरियर्स का लोग सम्मान कर रहे हैं। रीवा में कई सामाजिक संगठनों ने संकट की इस घड़ी में कोरोना से लगातार लड़ रहे पुलिस वालों का फूलों से सम्मान किया और सभी के प्रति आभार प्रकट किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट काल में लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मियों का सामाजिक युवा एकता परिषद ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और स्वल्पाहार की व्यवस्था की। लॉकडाउन के दौरान ये कोरोना वॉरियर्स अपनी जान पर खेलकर जनता की जान बचा रहे हैं। पुलिस द्वारा लगातार लोगों को लॉकडाउन और प्रशासन के निर्देशों का पालन कराने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस हर तरीके से लोगों को ये संदेश दे रही है कि कोरोना से बचना है तो घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। तो इस मुश्किल में भी जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सभी हमारे सहयोग के लिए, हमारी रक्षा के लिए दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग आज स्वल्पाहार और फूल के माध्यम से उनका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। एक तरफ जहां उस तरह के उद्दंडी युवा हैं जो लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार समझाने के बाद भी नहीं मान रहे, तो उसके लिए हम लोग जो सख्ती कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी युवा हैं जो लगातार गरीबों के लिए और साथ में पुलिस हमारा बल लगा हुआ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनको लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें और मनोबल बढ़ाने के ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिससे पुलिस का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। साथ में पुलिस को भी उन युवाओं के प्रति सहानुभूति हो रही है कि लगातार ऐसे मौसम में और ऐसे वक्त में वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से रीवा शहर के वो युवा और साथ में स्वयंसेवी संगठन बधाई और पुलिस की शुभकामनाओं के पात्र हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।